हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, रेलवे एनटीपीसी वाले छात्रों के लिए एनटीपीसी सीबीटी वन एग्ज़ाम को लेकर बहुत बड़ी ऑफिशियल अपडेट निकल कर आ चुकी है, जिसके लिए रेलवे द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, आरआरबी ने एग्ज़ाम रिलेटेड नोटिस जारी किया है रेलवे के एनटीपीसी एग्ज़ाम को लेकर। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो ऑफिशियल अपडेट आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग एनटीपीसी एग्ज़ाम दो सॉफ्टवेयर में कंडक्ट करवाया जाएगा। एक तो आपका सीबीटी वन हुआ एंड सीबीटी टू, दो सॉफ्टवेयर में एग्ज़ाम करवाया जाएगा। पहले तीन शिफ्ट में एग्ज़ाम होता था, लेकिन कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए अब रेलवे ने एनटीपीसी एग्ज़ाम को दो शिफ्टों में डिवाइड कर दिया गया है। पहले तीन शिफ्टों में एग्ज़ाम करवाया जाता था, लेकिन अब दो शिफ्टों में एग्ज़ाम करवाया जाएगा, जिसके लिए फ्रेंड्स ऑफिशियल गाइडलाइंस भी जारी हो चुकी हैं और ईसी टेंडर रिगार्डिंग यहाँ पर ऑफिशियल अपडेट भी जारी किए गए हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और फ्रेंड्स अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और टेक्निकल हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कल साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिएगा फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने IREPS की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है। जितने भी कोरिजेंडम वगैरह आते हैं वो सभी IREPS की ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं। तो यहाँ से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं टेंडर नंबर RRB CA नंबर 01/2019 ECA, डिपार्टमेंट यहाँ देख सकते हैं, क्लोजिंग डेट यहाँ देख सकते हैं 5/10/2020 और फ्रेंड्स यहाँ पर टेंडर टाइटल देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप ये देखिएगा कोरिजेंडम 11 आया हुआ। फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कोरिजेंडम 11 जो है वो आ चुका है। पहले कोरिजेंडम 10 आया था जो कि 4/9/2020 की डेट में आया था, लेकिन अब कोरिजेंडम 11 आ चुका है 17/9/2020 आज ही की डेट में आया हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, देखते हैं कोरिजेंडम जो 11 आया है उसमें क्या क्या गाइडलाइंस जारी की गई हैं, क्या क्या एग्जाम में चेंजेस किए गए हैं और क्या क्या टेंडर में चेंजेस किए गए हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने ओपन कर लिया है कोरिजेंडम नंबर 11, कोरिजेंडम पब्लिश डेट 17/9/2020, टेंडर नंबर और क्लोजिंग डेट टाइम तो 5/10/2020 है। जब आपका कोरिजेंडम 10 आया था, ठीक है, अभी कोरिजेंडम 11 आया हुआ है, कोरिजेंडम 10 आया था तो उसमें भी क्लोजिंग डेट जो थी वो भी 5/10/2020 थी। इसमें कोई भी डेट को चेंजेस नहीं किया है, ना ही टेक्निकल बीट की डेट को चेंज किया गया है और ना ही आपकी फाइनेंशियल डेट को चेंज किया गया है। सभी डेट जो है वो एज इट इज सेम की सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स चेंजेस किया गया है शेड्यूल वन और शेड्यूल वन में आइटम नंबर वन यहाँ पर देख सकते हैं, आपका जो एग्जिटिंग बॉली था वो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी ECA था। यहाँ पर आइटम डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर देख सकते हैं, जो कुछ भी एग्ज़ाम करवाएगा एजेंसी से रेलवे, जैसा कि यहाँ पर आपका CBT एग्ज़ाम करवाएगा, ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट करवाएगा, टाइपिंग स्किल टेस्ट हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, साइको टेस्ट वगैरह हो गया, पैनल लाना, रिजल्ट देना, सभी कुछ ECA एजेंसी का ही काम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बकाया यहाँ पर मॉडिफाई वैल्यू भी यहाँ पर दी हुई है। मॉडिफाई वैल्यू कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सर्विस एज पर द स्कोप ऑफ वर्क डिटेल इन टेंडर नोट नंबर। तो इसके लिए फ्रेंड्स जितनी भी गाइडलाइंस वगैरह हैं मेरे पास इसका नोटिस भी आ चुका है, मैं आपको बाद में वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा न्यू आइटम, तो ये न्यू आइटम में शेड्यूल में दिया गया है एग्जाम वगैरह क्या क्या रेलवे के काम वगैरह रहेंगे, सीरियल नंबर यहाँ दिया हुआ है और देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर एक्स्ट्रा ओवर द आइटम नंबर एबव इफ द CBT इज कंडक्टेड ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक ऑब्जर्विंग सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स एज पर प्रिस्क्राइब्ड इन दिस टेंडर नोट नंबर रेट ऑफ एक्सक्लूसिव ऑफ GST। फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है नोट वन में द रेट आर द एक्सक्लूसिव ऑफ GST। फ्रेंड्स कोविड-19 को देखते हुए यहाँ पर काफ़ी सावधानी भी बरती जाएंगी और फ्रेंड्स एग्जाम में एक शिफ्ट में कम से कम बच्चों को रखा जाएगा। तो फ्रेंड्स इसके लिए रेलवे को जो है जो ECA एजेंसी है उसको ज़्यादा रुपए देना पड़ेगा, ज़्यादा कॉस्ट देना पड़ेगा, ज़्यादा अमाउंट देना पड़ेगा। तो टोटल अमाउंट जो बढ़ा हुआ है, ठीक है, वो 93 यहाँ पर अमाउंट बढ़ा हुआ है 93 रुपये, ठीक है। तो देख सकते हैं इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा बोला गया है इसमें जो रेट बढ़ाया गया है वो रेट यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिक वैल्यू जो यहाँ पर दी हुई है वो 1,24,46,00,000 यहाँ पर जो है अमाउंट को इंक्रीज़ किया गया है, बढ़ाया गया है अमाउंट, यहाँ से आप देख सकते हैं इतना अमाउंट फ्रेंड्स बढ़ाया गया है कोविड-19 की सिचुएशन को देखते ही, क्योंकि फ्रेंड्स अब सैनिटाइज वगैरह करना है सभी रूम वगैरह, सभी कंप्यूटर सिस्टम वगैरह जो कुछ भी रहता है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है, तो इसके लिए अमाउंट बढ़ाया गया है ECA एजेंसी को, रेलवे को अब जो है ECA एजेंसी को देना पड़ेगा इतना ज़्यादा अमाउंट, ठीक है। इसके लिए पहले फ्रेंड्स जो अमाउंट था वो एग्जीक्यूटिव वैल्यू जो पहली थी वो 2,01,00,000
51 लाख यहाँ पर, 51 करोड़ कुछ रुपए यहाँ पर यू थी पहले वैल्यू, लेकिन अब इसको मॉडिफाई करने के बाद 3 अरब 75 करोड़ 93 लाख वैल्यू यहाँ पर कर दी गई है, यानी कि इतना अमाउंट यहाँ पर इंक्रीज कर दिया गया है, इतना अमाउंट ज़्यादा लगेगा इस कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए। तो इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं आप गाइडलाइंस वगैरह, 3 नोटिस जारी किए गए हैं, मॉडिफिकेशन टू द एग्जीक्यूटिंग क्लॉज ऑफ एडिशनल क्लॉज टू द टेंडर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितनी भी गाइडलाइंस वगैरह थी, मॉडिफिकेशन वगैरह थी, एडिशनल क्लॉज थे, वो सभी कुछ इस नोटिस में दिया है। जो कुछ भी गाइडलाइंस वगैरह जारी की गई हैं वो सभी इस नोटिस में दी हुई हैं। कोरिजेंडम नंबर 11, जो कोरिजेंडम नंबर 11 का नोटिस है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले कोरिजेंडम नंबर 11, तो देखिए फ्रेंड्स मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो था कोरिजेंडम 11 वो मैंने ओपन कर लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड चेन्नई, कोरिजेंडम नंबर 11, ई टेंडर नंबर RRB चेन्नई, CN नंबर 01/2019 ECA। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर जो है, जो भी है अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ वर्क यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है 3 अरब 75 करोड़ 93 लाख रुपए यहाँ पर दिया गया है। और जो भी आपका द रिस्पॉन्स टू प्रीवियड क्वेरी अपलोडेड टर्म जो था वो 1.7 पैराग्राफ नंबर में दे दिया है टेंडर डॉक्यूमेंट में। वहीं पर फ्रेंड्स मॉडिफिकेशन एडिशनल टेंडर कंडीशन विद रेस्पेक्ट ई टेंडर नंबर RRB चेन्नई नंबर इतना है कि यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद ए न्यू पैरा 4.5 गाइडलाइंस कंडक्ट टू कंप्यूटर बेस्ड CVT कोविड-19 स्कैनरियो इज एडिड। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी ए न्यू आइटम इंक्लूड जितने भी हुए हैं वो मॉडिफाई हुए हैं, वो पैरा नंबर 7.8 में दिया हुआ है फाइनेंशियल बिट्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जितना भी नोटिस में दिया गया है सभी कुछ देख सकते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने जो गाइडलाइंस वगैरह जारी की थी NTPC एग्जाम को लेकर, वो मैंने गाइडलाइंस यहाँ पर ओपन कर रखी है। यहाँ से आप देख सकते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड चेन्नई, मॉडिफिकेशन टू द एग्जीक्यूटिंग क्लॉज एंड एडिशनल क्लॉज टू टेंडर नंबर RRB चेन्नई, CN नंबर 01/2019 ECA डेटेड 2/3/2020 पार्ट टू जनरल इन्फॉर्मेशन एंड टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पर जो एग्जाम्स रिलेटेड जो भी आपकी गाइडलाइंस वगैरह रहेंगी कोविड-19 की सिचुएशन में, ठीक है, जो भी आपके कंप्यूटर बेस्ड CVT एग्जाम करवाए जा रहे हैं उसकी जो भी गाइडलाइंस रहेंगी, क्या गाइडलाइंस रहेंगी वो देखिएगा। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो भी प्रोटोकॉल गाइडलाइंस वगैरह रहेंगी वो सभी के लिए मान्य रहेंगी, इसका पालन आपको पूर्ण रूप से करना होगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर फ्रेंड्स फर्स्ट क्या बोला गया है कि द लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस एंड ऑर्डर इशूड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट कंसर्निंग कोविड-19 विल बी फॉलोड एट ऑल द एग्जामिनेशन वेन्यूज फॉर दीज डिटेल इंस्ट्रक्शन विल बी इनकॉर्पोरेटेड इन द एग्जामिनेशन प्रोटोकॉल डॉक्यूमेंट्स बाई RRB फॉर एडरेंस बाई ECA। फ्रेंड्स यहाँ बोला गया है कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स के रूल होंगे कोविड-19 के लिए, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल हों, कोविड-19 के जो भी इंस्ट्रक्शन वगैरह गाइडलाइंस वगैरह ऑर्डर वगैरह रहेंगे वो सभी छात्र व स्टाफ को उसका पालन करना होगा। सेकेंड में बोला गया है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ शिफ्ट पर डे विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली इन ऑर्डर टू इंश्योर प्रॉपर सैनिटाइजेशन एंड सोशल डिस्टेंसिंग बिटवीन कैंडिडेट्स टू शिफ्ट्स। फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पर बोला गया कि एक दिन में 2 शिफ्ट में ही केवल एग्जाम करवाए जाएंगे, जिससे यहाँ पर प्रॉपर तरीके से सैनिटाइजन होता रहे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता रहे। तो आपके एक दिन में 2 शिफ्ट में ही एग्जाम करवाए जाएंगे, पहले 3 शिफ्ट में एग्जाम करवा दिए जाते थे एक दिन में, लेकिन अब एक दिन में केवल 2 ही शिफ्ट में एग्जाम करवाए जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर थर्ड में बोला गया है कि एवरी स्टाफ इन्वॉल्व इन द कंडक्ट ऑफ CVT एंड कैंडिडेट्स ऑफ ए शिफ्ट टू बी एडवाइज फॉर डाउनलोडिंग ऑफ आरोग्य सेतु ऐप। फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि प्रत्येक जो भी स्टाफ रहेगा और जो भी कैंडिडेट रहेंगे CVT एग्जाम में जो भी इन्वॉल्व होते हैं उन सभी के लिए आरोग्य सेतु ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके रखना होगा। फोर्थ में बोला गया कि इंटायर एग्जामिनेशन सेंटर फ्लोर एंड बॉल्स डोर गेट्स शुड बी स्प्रेड विद प्रिस्क्राइब्ड डिसइंफेक्टेंट। और फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि प्रत्येक डोर बॉल और डोर वगैरह गेट वगैरह जितने भी रहेंगे वो सभी स्प्रे किए जाएंगे उन पर, ठीक है, आपको प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज किए जाएंगे। फाइव में बोला गया है कि सैनिटाइजर बोटल शुड बी ऑलवेज अवेलेबल एट द एंट्री गेट बायोमेट्रिक फोटो बूथ एग्जामिनेशन रूम कैंडिडेट डेस्क स्टाफ ऑब्जर्व रूम एक्सेट्रा। और फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि प्रत्येक गेट बायोमेट्रिक फोटो बूथ पर एग्जामिनेशन रूम पर कैंडिडेट डेस्क पर स्टाफ ऑब्जर्व रूम पर सभी पर जो है सैनिटाइजर की जो बोतल होगी वो वहाँ पर अवेलेबल
होगी। उसके बाद बोला गया है 6 में कि ऑल लिक्विड हैंड वॉश बोटल शुड बी रिप्लेस्ड प्रॉम्प्टली इन रेस्ट रूम्स एंड एंट्री गेट व्हेनेवर रिक्वायर्ड। और जो भी फ्रेंड्स रेस्ट रूम होंगे, चाहे वो आपके जितने भी रहेंगे, ठीक है, वहाँ पर सभी जगह पर जो है आपकी जो सैनिटाइज बोतल होगी वो सभी जगह रखी होगी, ठीक है, आपको वहीं पर उपलब्ध कराई जाएगी। आगे फ्रेंड्स बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है 7th में, एट द एंड ऑफ ईच शिफ्ट सेशन एंड बिफोर बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट शिफ्ट फॉलोइंग शुड बी थ्रूली डिसइनफेक्टेड। और फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि जितने भी आपके जो भी सेंटर वगैरह रहेंगे, ठीक है, चाहे वो कंप्यूटर नोड हो और सिटिंग एरिया हो, आपके वॉशरूम हो, डोर हैंडल हो, ठीक है, और स्टेयर के रेलिंग हो, ग्रिल वगैरह होती है, लिफ्ट होती है, लिफ्ट बटन वगैरह, ठीक है, और जो व्हील चेयर होती है, ठीक है, जो दिव्यांग लोगों के लिए दी जाती है, और ट्रास्ट बिन वगैरह जितनी भी होती है, सभी सैनिटाइजर करके रखना होगा इसी एग्जाम कंडक्ट। तो फ्रेंड्स आगे यहाँ पर देखिएगा, बोला गया है कि हेल्थ स्टेटस ऑफ ऑल स्टाफ एसोसिएटेड विद द कंडक्ट ऑफ CBT इन दैट पर्टिकुलर शिफ्ट मस्ट बी चेक्ड एज सून एज दे रिपोर्ट एट द सेंटर बिफोर बिगनिंग ऑफ ए शिफ्ट फॉर दिस। फ्रेंड्स यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि आपको आरोग्य सेतु ऐप यहाँ पर डाउनलोड करके रखना होगा। थर्मोगन टेम्परेचर जो चेक करने का मशीन होता है, वो जितना भी स्टाफ रहेगा उनके लिए यहाँ पर रहना आवश्यक होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत सारी गाइडलाइंस हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस आपको बता देता हूँ। देखिएगा यहाँ पर बोला गया कि एट द एंट्री पॉइंट ड्यूरिंग सिक्योरिटी चेक फ्रिस्किंग ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी डन यूजिंग हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर डिवाइस ईसी टू इंश्योर द एडॉप्शन ऑफ ऑल प्रिस्क्राइब्ड सेफ्टी मेजर बाई द स्टाफ कंसर्न। देयर विल बी नो फिजिकल बॉडी पेटिंग। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा काफ़ी सारा बोला गया है, आप खुद से रीड कर सकते हैं इसको। और यहाँ पर जो भी बताया गया है कि कीपिंग इन व्यू द रिक्वायरमेंट ऑफ द मैंडेटरी फिजिकल डिस्टेंसिंग वेन्यू शुड हैव बी एडक्वेट रूम कैपेसिटी सो एज टू इंश्योर द मिनिमम डिस्टेंस सेपरेट। फ्रेंड्स यहाँ देखिए बोला गया है कि जो दो इंसानों की दो लोगों के बीच की दूरी होगी वो आपको जो एग्ज़ाम देने जाएंगे वहाँ पर 6 फीट की दूरी आपको बनाकर रखनी होगी दो लोगों के बीच में, ठीक है। टू एडजेक्ट कैंडिडेट्स ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आल्सो प्रीफरेबली द सीट अलॉटेड वन शिफ्ट नॉट बी यूज टू सिटिंग ऑफ कैंडिडेट्स सब्सिक्वेंट शिफ्ट। यहाँ बोला गया है कि फर्स्ट शिफ्ट में जहाँ छात्र बैठेगा और जो सेकेंड शिफ्ट होगी वहाँ पर छात्र सेकेंड शिफ्ट में उस जगह पर छात्र नहीं बिठाए जाएंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है बता दी गई हैं, और आपको भी यहाँ पर जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो सभी कुछ बता दिया जाएगा वहीं पर, ठीक है। बकाया और यहाँ पर देखिएगा, और यहाँ पर बोला गया है, मैं जो जो इम्पोर्टेंट वगैरह है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी आंसर की कब तक आ जाएगी। जब आप एग्ज़ाम देंगे तो एग्ज़ाम देने के बाद जो आपकी आंसर की वगैरह है वो यहाँ पर कब तक आपकी आ जाएगी। यहाँ पर देखिएगा, एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी EC will provide the score of the candidates within 5 days of the finalization in answer key after objection review. फ्रेंड्स यहाँ पर पहले जब एग्ज़ाम होता था तो 5 दिन के अंदर आपकी आंसर की वगैरह स्कोर कार्ड वगैरह आ जाता था, अपनी आंसर की वगैरह आ जाती थी ऑब्जेक्शन के लिए। लेकिन अब 10 दिन लगेंगे क्योंकि COVID-19 की सिचुएशन है, तो 10 दिन का समय आपको लगेगा, पहले 5 दिन का समय लगता था, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर आप ये कंडीशन रहेंगी, क्योंकि जो भी आपको अपडेट रहेगा वो मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। और जो कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ।